हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 2nd मार्च 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक बर्थडे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ भी रहेंगी। स्पेशल नॉलेज में हमने सेवी को डिस्कस करना है, गुजरात स्टेट को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। तो वीडियो आपको पूरा वॉच करना है एंड तक, ओके, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करना है तो ये स्किप कर दीजिएगा क्योंकि आपको सीखना नहीं है, ओके। तो देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। अपने लक्ष्य को ऊँचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना लक्ष्य जो आपने गोल अचीव करना है वो आपको इतना ऊँचा रखना है, चाहे कितनी भी परेशानी आपके सामने आ जाए, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रुकना नहीं है, बस बढ़ते जाना है, निरंतर प्रयास करते जाना है और देखेंगे कि आप एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल जरूर कर लेंगे, ओके। बस आप वहाँ पर दृढ़ रहेंगे, तो दृढ़ नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब न्यूज़ की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ रहेगी, विश्व दुर्लभ बीमारी दिवस कब मनाया गया है। तो फरवरी माह का अंतिम दिन जो है विश्व दुर्लभ बीमारी दिवस के रूप में मनाया गया है, और बीमारी दिवस के रूप में मनाया गया, और फरवरी माह के जितने भी डेज हुए हैं सारा PPT तैयार हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली within 2 hours वो भी अपलोड हो जाएगा, तो आप उसे भी वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 2019-20 की अप्रैल जनवरी अवधि के दौरान भारत सरकार की कुल प्राप्तियां कितनी हैं। तो 12.82 लाख करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष 2019 की अवधि के दौरान जो सरकार की कुल प्राप्तियां हैं वो हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो वो बने हैं मुहिद्दीन यासिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स CII की नई शाखा कौन सी है। तो ये महिलाओं की ब्रिक्स CII शाखा है, सबाना नसीम के नेतृत्व में रहेगी। तो सबाना नसीम आपको नेम याद रखना है ब्रिक्स का। ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और श्रीलंका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दोहा में तालिबान विद्रोहियों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि शांति के बदले में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरह वापस लिया जा सके। तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने तालिबान विद्रोहियों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किन किन के बीच हुए हैं, तो तालिबान और अमेरिका के बीच, ओके। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वो अभी भारत आए हुए थे, तो इससे क्वेश्चन पर आए हुए थे, तो वो आए हुए थे गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में, अहमदाबाद में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 3 विलियंस के उन्होंने समझौते किए हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय न्यूज़, कंपनी की CSR पहल के तहत किस सरकारी कंपनी ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष में 1 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा सुशोमित माँ अभियान की शुरुआत की है, तो कहाँ की है, कोटा गुजरात में। अब ओम बिरला जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो भी कोटा जो है वो कोटा राजस्थान है, ओके। और इन्होंने क्या किया है, सुशोमित माँ अभियान की शुरुआत कहाँ कहाँ की है, एक तो कोटा में की है जो कि राजस्थान में, और गुजरात के अंदर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत नया प्रस्तावित प्राधिकरण कौन सा है, तो वो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। नेक्स्ट न्यूज है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार भारत में वह भारतीय कौन है जो दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो वो है मुकेश अंबानी। इनकी जो संपत्ति है वो है 67 अरब अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, जेफ बेजोस, अमेजोन के ये CEO हैं, 140 अरब अमेरिकी डॉलर है इनके पास, ओके, अमेजोन के संस्थापक हैं ये, ठीक है। सेवी के नए अध्यक्ष कौन है, जिनके कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया है, ठीक है। अब
अध्यक्ष ही पूछे गए हैं, तो आपको याद रहना है, रखना है कि जो सेबी के अध्यक्ष हैं वो अजय त्यागी, और सेबी के बारे में फुल डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर लास्ट में मिल जाएगी, तो आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? तो वो है केवी जयश्री। मलयालम उपन्यास नीलम फुतु मलरन्ना नाल का तमिल में इन्होंने अनुवाद कर दिया है, तो इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम सावधानी सदगुरु त्यागीराज पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ये वायलिन वादक एम चंद्रशेखरन जो हैं हिम साधवनी सदगुरु त्यागराज पुरस्कार के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह 1 मई 2020 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से वाले प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए तैयार है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि 1 मई 2020 तक वह एकल उपयोग वाली जो प्लास्टिक होती है उससे बिल्कुल मुक्त होने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने घोषणा की कि वर्ष 2019 में विधायकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार देना शुरू कर देगी? तो वो गुजरात राज्य सरकार है, उन्होंने ये घोषणा की है। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई हैं उससे संबंधित सामान्य ज्ञान हम देख लेते हैं। ब्रिक्स की बात हो रही थी तो इसमें हमने अभी बता दिया था श्रीलंका, तो वो हमारे शायद हमने गलत बता दिया, शायद नहीं कन्फर्मली गलत बता दिया, तो दक्षिण साउथ अफ्रीका की बात होती है उसमें, ठीक है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एंड दक्षिण अफ्रीका, और इसकी स्थापना हुई थी 16 मई को 2008 में, मुख्यालय संघाई में है, ठीक है। 2020 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस को मिली थी, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अब जो 2021 की अध्यक्षता होगी वो इंडिया के पास आएगी, जैसे इनके नाम है उसी तरह ये चेन चलती रहती है, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग वैधानिक निकाय की स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को हुई। वैधानिक स्थिति 30 जनवरी 1992 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। आधिकारिक भाषा वहाँ की पश्तो है, और मुद्रा अगर पूछी जाएगी तो अफगान अफगानी है। ओके, तो अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। एंड आप अपनी क्वेरीज़ को मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपको कमी लगती है उसे, और आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप अगर यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेलीवेशन वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कहीं भी फॉलो करें या ना करें पर यहाँ पर आपको फॉलो भी करना है और ऑडियो रिवीजन भी करना है खबरी ऐप पर, ठीक है। खबरी ऐप पर आप जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए और वहाँ से ऑडियो रिवीजन कीजिए और वहाँ पे फॉलो भी कीजिए। उससे क्या होगा, आप वीडियो देखेंगे कम समझ में आ सकता है, हो सकता है कि कुछ कभी लग रही हो आपको, पर जैसे ही आप ऑडियो रिवीजन करेंगे ईयरफोन लगा के, तो आप ईयरफोन नहीं भी लगाएंगे वो आपकी मर्ज़ी है, तो क्या होगा कि आपका रिवीज़न होगा तो आपको 100 times बेटर आपको याद हो जाएगा। तो खबरी ऐप पर भी आप हमें फॉलो करें और वहाँ पर सुने ज़रूर, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का मनाया गया है, तो यह देश भर में 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है। सी वी रमन की ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, ठीक है, उसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इस वर्ष का जो विषय है वुमेन इन साइंस, मतलब महिलाएँ विज्ञान में, महिलाएँ, ओके, विज्ञान में महिलाएं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो 27 फरवरी को वार्षिक रूप से राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया था। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य भारत में प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करना, जागरूकता बढ़ाना और शिक्षित करना है। भारतीय प्रोटीन दिवस 2020 का विषय जो रहा है वो रहा है प्रोटीन में क्या है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन टाटा को मुंबई विश्वविद्यालय के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 25 फरवरी 2020 को मुंबई विश्वविद्यालय की सलाहकार परिषद ने क्या किया, रतन टाटा जी को अपना अध्यक्ष नामित कर दिया है। टाटा एंड सन्स के चेयरमैन, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। टाटा की नियुक्ति महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 के तहत आती है, जो किसी भी प्रतिष्ठित उद्योगपति की नियुक्ति को काउंसलर के नामित के रूप में परिषद को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 32 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं,
ठीक है। अब प्रधानमंत्री संपदा योजना है उसके तहत क्या किया गया कि 32 परियोजनाएं जो है स्वीकृत कर दी गई। अब क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल और इनका निर्वाचन क्षेत्र भटिंडा पंजाब है की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की इकाई के तहत अंतर मंत्रालय अनुमोदन समिति में 17 राज्यों में फैली 32 परियोजनाओं को 406 करोड़ रुपये की निवेश से मंजूरी दे दी गई है। 6000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वयन की अवधि 2016 से 2020 रहेगी। ठीक है, तो आपको ये जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, इनका नाम हरसिमरत कौर है और इनका निर्वाचन क्षेत्र बठिंडा पंजाब। और क्वेश्चन ये बनेगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की कितनी परियोजनाओं को, जो योजना है उसकी कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, तो 32 परियोजना, कितने निवेश के साथ, 406 करोड़ रुपये के निवेश के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में 24वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है। 24वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर है, की अध्यक्षता में हुई। यह ओडिशा के भुवनेश्वर में लोकसभा भवन में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन, भुवनेश्वर से एक तो विश्वविद्यालय के जो खेल हुए थे खेलो इंडिया के, उसमें पुणे, सावित्रीबाई पुणे जो विश्वविद्यालय है उसे 7 स्वर्ण पदक के साथ वह विजेता भी हुई है। और जो विश्वविद्यालय के खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं वो भी भुवनेश्वर के अंदर हुए हैं। हॉकी गेम्स जो होंगे वो भी भुवनेश्वर के अंदर होंगे। और क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई 24वें नंबर की, वो भी भुवनेश्वर में हुई। भुवनेश्वर है क्या, ओडिशा की कैपिटल है। ओडिशा की बात हुई तो वहाँ के CM का नाम है नवीन पटनायक जी रहेंगे, तो राज्यपाल हैं वहाँ पर गणेशी लाल जी। ठीक है, भीतरकनिका नेशनल जू और नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क वहाँ पर मिल जाएगा आपको। और उड़ीसा के अंदर ही चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो बहुत सारी मिसाइल हैं जैसे पिनाक, ब्रह्मोस मिसाइल आदि का वहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जाता है। उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है, उसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो इस तरह काफ़ी स्टैटिक पोर्शन उड़ीसा से बन जाता है। उड़ीसा में ही कोणार्क मंदिर है जो सूर्य बर्मन जी ने बनवाया हुआ था, जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का। ठीक, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है स्पेशल नॉलेज रहेगी जिसमें हम सेबी को डिस्कस करेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी की बात करेंगे। भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता जो दी गई वो 30 जनवरी 1992 को दी गई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसे हिंदी में कहेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, अब ये क्या है कि वित्त नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। क्वेश्चन बन गया वैधानिक मान्यता सेबी को कब दी गई, तो 30 जनवरी 1992 को वैधानिक मान्यता दी गई। मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर में है। और अगर इसके जो व्यावसायिक जिले जो पूछे जाएंगे तो नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, अब स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 को ही, 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया था। अधिकार क्षेत्र भारत के सरकार के पास है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास है इसका अधिकार। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कर्मचारी की संख्या 2009 में 525 थी, तो अब तो और बढ़ गई होगी, 2009 से अब 2020 आ चुकी है। संस्था कार्यपालक की बात करेंगे तो अजय त्यागी जी हैं, जिनका टेनर 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे स्टेट की। स्टेट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात को। गुजरात की कैपिटल होती है गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर होता है अहमदाबाद, इसे गिफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, घनत्व तो यहाँ पर 308 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, मीटर स्क्वायर में रहते हैं। जिले यहाँ पर 33 है, राजभाषा गुजराती है। गठन 1 मई 1960 को हुआ, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का भी गठन हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो है विजय रूपाणी, जो कि भाजपा पार्टी के हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो है 182 हैं। राज्यसभा की जो सीट है वो 11 है और लोकसभा की सीट जो है 26 है। तो डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 33 हैं, लोकसभा की सीटें 26 हैं, राज्यसभा की सीटें जो हैं 11 हैं। राज्य की पशु गिर सिंह है, मतलब कि भारतीय शेर है।
राज्य की पक्षी अगर पूछा जाएगा तो हंसावर या ग्रेटर फ्लेमिंगो है। गुजरात के उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुई थी अहमदाबाद के अंदर, और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश का नाम है विक्रम नाथ। गुजराती जो होता है पश्चिमी भारत में एक स्थित एक राज्य है, उसका अर्थ होता है गुर्जर प्लस त्रा, मतलब गुजरात्र पहले नाम हुआ करता था, फिर अपभ्रंश के कारण से गुजरात कहने लगे, ठीक है, गुजरों की भूमि हुआ करता था, गुजरात्र का मतलब हुआ गुर्जरों की भूमि, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी सीमा जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है पाकिस्तान से लगी हुई है, और गुजरात और मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर और पूर्व में स्थित हैं, ठीक है। महाराष्ट्र इसके दक्षिण में स्थित है। अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमा बनाता है। दक्षिणी सीमा जो है दादर नगर हवेली से मिलती है। नर्मदा नदी को जो है गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। नर्मदा नदी से आपको तुरंत याद आना चाहिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की जो साधुबेट घाट पर मूर्ति बनी हुई है दुनिया की सबसे लंबी अब तक की, तो वो नर्मदा नदी के तट पर ही बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख नृत्य, वहाँ पर गरबा और रास रहते हैं, रास और गरबा वहाँ पर प्रमुख नृत्य रहते हैं। मकर संक्रांति, डांगी दरबार, राघव राय मेला, जन्माष्टमी वहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। प्रमुख उत्पादन जो है मूंगफली और कपास है। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र का है, और गुजरात में ही अमूल है, अमूल की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल की फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो मुख्य बंदरगाह अगर पूछा जाएगा तो कांडला है। गुजरात के बड़ोदरा में ही जो पुलिस का विश्वविद्यालय है पहला, वो भी खोला गया है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो गुजरात का मुख्य बंदरगाह कांडला, उसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम कर दिया गया है। कर्क रेखा जो है इसके उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है, ठीक है, आठ राज्यों से, भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो ये जो गुजरती है उत्तरी सीमा से गुजरती है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो है लोथल, वह भी गुजरात में अवस्थित है। तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए गुजरात से। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, क्वेश्चन बन जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान में किस प्राणी का, किस जीव का संरक्षण किया जाता है, तो एशियाटिक लॉयन का संरक्षण किया जाता है। ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, जंगली गधा अभयारण्य है वहाँ पर, मरीन कच्छ की खाड़ी है, या कच्छ है जो बहुत बड़ा मैदान है, तो वो मरीन कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क्स भी जो है वो वहाँ पर सबसे बड़ा है, ठीक है। गुजरात के अंदर इतने नेशनल पार्क्स भी हैं। गुजरात में बहुत से एडिशन फैक्ट बन जाते हैं। 50 मीटर की में भी एक तांबे की सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी गुजरात में बनाई गई है, तो ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करेंगे स्टैटिक क्वेश्चंस की। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1895 में हुई थी, और CII का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की दिवस पर जो जयंती पर जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस मनाया कब जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। 24 जनवरी को मनाते हैं बालिका दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 एक जनवरी को हुई थी, और मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है। विश्व नशा विरोधी मंडल मतलब कि बाडा की स्थापना कब हुई, तो 1999 में 10 नवंबर को हुई थी, और मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में 5 अक्टूबर को हुई थी, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन है यस मैडम सर नामक डॉक्यूमेंट्री किसके जीवन पर आधारित है, तो किरण बेदी के जीवन पर आधारित है। भारत में 19 नवंबर को किसका जन्मदिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इंदिरा गांधी का जन्मदिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत रत्न सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कौन करता है, तो राष्ट्रपति भारत रत्न सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करता है। मदर टेरेसा ने किस वर्ग में नोबेल पुरस्कार जीता था, यह वेरी इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। शांति के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। किस नदी को अधिकतर प्राचीन गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो उद्यान क्रांति मतलब हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो आपको याद रखना है, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए, व्यापारिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाने को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कामेड़ चोटी किसका भाग है? तो कामेड़ चोटी जो है हिमाद्री का भाग है। ठीक है, सूरज से आरोही क्रम में ग्रहों की दूरी का सही क्रम क्या होगा? तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश किसे भेजा था? तो उन्होंने संगमित्रा को भेजा था, अपनी पुत्री को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ओके, तो अब बात करेंगे वीडियो को एंड करने की। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं वीडियो देखते देखते, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिए, अपने सपनों का ज़रूर ज़रूर ख्याल रखिए और अपने निरंतर प्रयास इतने अच्छे करते रहिए कि आपको आपका मुकाम जो है जल्दी से हासिल हो जाए। और अपने मन में जब तक हासिल नहीं होता मुकाम अपना, तब तक आप जुनून रखिए कि हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। और उसी के साथ आपको हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको लिंक ज्वाइन कर लेना है, जिससे जो भी क्लासेस होती हैं उनके PDF मिल जाएंगे। हेलो, टिकटॉक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें शेयर चैट और जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको फॉलो भी करना है और ऑडियो भी सुननी है, तो आपको खबरी ऐप पर वहाँ पर फॉलो भी करना है और ऑडियो भी रिविजन करनी है। ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज क्वेश्चन है, अननेसेसरी कमेंट नहीं कर सकते, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन्हें कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।